खाएंगे ना तो सब्जी का स्वाद है ना, छोंक में डालो ना, बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। तोड़ लिया ना, ये देखो क्या चिपक गया। ओह ये देखो, ये क्या चिपक गया, ये वो ही है, जड़ी बूटी है, वो चिपक गई। देखो तो कितने सारा, ओह कहाँ से चिपका ये। अच्छा इस पे आप झुके होगे ना यहाँ पे, ये वाले, वाह ये छोटे छोटे। ये तो मम्मी देखना कितना ज्यादा, कितना अच्छा है कड़ी पत्ता। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ में कंटिन्यू अपना व्लॉग नहीं शेयर कर पा रही हूँ, बिकॉज़ कहीं कहीं का प्लान बन जाता है, कहीं कहीं का प्लान बन जाता है, तो एकदम से मुझे वीडियो कंटिन्यू करनी पड़ती है। सो ये व्लॉग्स मैं बना बना के रख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क नहीं है और मेरे पास 6-6 GB की वीडियो है जो मुझे अपलोड करनी है, बट यहाँ पर मुझे नेट नहीं मिल रहा है उतना बढ़िया। 1000 MB में कहाँ मेरा व्लॉग जो है वो अपलोड होगा, तो मैं वीडियो बना बना के रख रही हूँ। ये व्लॉग्स आपको बहुत, जब मैं जाऊँगी दिल्ली तभी देखने को मिलेंगे, तो मैं इतना बना बना के रख रही हूँ। तो अभी हो रहे हैं शाम नहीं दोपहर, मतलब बीच का टाइम हो रहा है, तो 3:15 हो रहे हैं। और मौसी आई थी, वो आई थी 12 बजे, और हम लोग कहीं जा रहे थे रात। तो हम, आपको पता है, रात हम घूम करके आए थे, वहाँ से रेस्टोरेंट से आए थे खाना वाना खा करके, और रात में इतना मैंने व्लॉग वगैरह नहीं बनाया। हमने जाके वीडियो देखी थी शादी की, और फिर उसके बाद हम सो गए थे। फिर दोपहर में हमने सब बातें की, फिर मौसी आई। अब हम जा रहे हैं वहाँ पर अपने प्लॉट देखने के लिए। सो मैं आपके साथ में वहाँ पर चलूँगी सबको लेकर के। इतना आप यहाँ की लोकेशन देख लो, ये देखो पीछे यहाँ पर भैंस भी है सारा, मैंने आपको अभी दिखाया ही नहीं है पूरा, आप देख लो। तो हम चलते हैं, और रास्ते में मैं आपको सबसे मिलाऊंगी, क्योंकि मौसी जा रही है, हम लोग स्कूटी से जा रहे हैं बाहर। वहाँ पे हमारे यहाँ पे हमने प्लॉट लिए हुए हैं सहारनपुर में, तो हम अपना प्लॉट देखने के लिए जा रहे हैं। ऐसा ही होता है जब आप 2-4 दिन के लिए कहीं गाँव जाते हो ना, तो आपको उससे भी मिलना होता है, क्योंकि सारे रिश्तेदार हैं, मोस्टली सब यहीं हैं, बुआ चाचा मामा सब यहीं पर ही हैं। तो दिन, मतलब घर पर रुकने का तो टाइम ही नहीं लगता, हम लोग इधर उधर जाते ही रहते हैं। तो अब देखेंगे बुआ जी के यहाँ जाना होगा या नहीं, लेकिन आज हम जा रहे हैं अपने प्लॉट देखने, क्योंकि 1 साल से ऊपर हो गया हम लोग अपना प्लॉट भी देखने नहीं गए, कि कहाँ कितने बन गए हैं, उसके आसपास कितने लोगों ने घर बना लिया है, कितने के खाली पड़े हैं, सब मैं आपको भी इस वीडियो में, इस व्लॉग में सब कुछ दिखाऊंगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर, जैसे कि मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ, नहीं बोलूँगी, लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलो चलते हैं, फिर मिलती हूँ मैं आपको वहीं पर जा करके। गाइस हम लोग अभी निकल चुके हैं, और हमें निकलने से पहले कोई आ गया था, तो बहुत टाइम लग गया। तो अब 5 बज गए हैं, और अभी भी सूरज ऊपर ही है, अभी तो बहुत टाइम है। सो मम्मी और मौसी हैं दोनों, मौसी है, हेलो कर दो, हेलो, मम्मी है। सो अब हम लोग निकल चुके हैं और हम बाहर आ गए हैं, तो चलते हैं प्लॉट पर और फिर देखते हैं वहाँ जा करके। सो गाइस यहाँ पर मैं वापस जा रही हूँ, क्योंकि गांव से निकलकर मेन रोड पर हमें याद आया
कि जो मौसी के लिए जो बॉटल में लस्सी भरी थी, पैक करी थी, वो घर पर ही रह गई है, तो मैं वापस जा रही हूँ उसको लेने के लिए। अच्छा हो हमें इतनी पास आकर ही याद आ गया, नहीं तो फिर मौसी क्या ले जाती, तो इसलिए वापस जा रही हूँ मैं। तो गाइज मैं लेके आ गई हूँ लस्सी जो हम भूल गए थे, और मैंने यहाँ आकर क्या देखा है वो देखो आप। ये देखो ये लोग क्या कर रहे हैं टाइम पास करने के लिए, ये लोग फोटो शूट करा रहे हैं यहाँ पे कि हम खड़े हैं। वो देखो स्कूटी कितनी दूर है और ये यहाँ आकर के फोटो शूट करा रहे हैं, क्योंकि ये ग्रीनरी तो दिल्ली में होती नहीं है, तो मम्मी यहाँ पर अपना फोटो शूट करा रही है। मैंने कहा चलो इनको भी लेती हूँ करके। क्या बोला बोलो, आई एम फोटो लवर। ये सारे फोटो लवर हैं। मैंने कहा चलो खिंचा लो, अब हम निकल गए हैं तो अब तो कितनी भी देर में हम पहुँचे, तो मैंने कहा खिंचा लो चलो। और मैं तो फोटोज वगैरह क्लिक नहीं करूँगी, बस ऐसे ही आ जाएगा। ये देखो इधर धान, मम्मी धान लग रहे ना पीछे, ये देखो धान कट चुका। हाँ ये देखो कितना बड़ा खेत है, धान कट चुके हैं। और मैं उधर जाके भी खेत दिखाऊंगी, जो हमारा है वो भी दिखाऊंगी। और अभी हम रुकेंगे तो मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी। तो ये देखो अभी भी इनका चालू है मतलब फोटो सेशन। ये देखो अभी जो है मौसी जो मम्मी के खींच रही है, मम्मी मौसी की खींचेंगी, इसी में ही 15 से 20 मिनट चले जाएंगे। हम मास्क हटा लेते हैं, यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर जो दिल्ली में जितना है ना कोरोना 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 की मास्क लगा कर, यहाँ पर कोई मास्क नहीं लगा रहा। यहाँ पे इवन किसी ने खरीद भी नहीं रखे मास्क। बस ये हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि बाहर कह रही हैं मौसी के पुलिस वाले खड़े रहते हैं, तो इसलिए हमने मास्क लगा लिया। बाकी यहाँ पर इतना किसी को 1% भी जिसे कह देते हैं उतना भी डर नहीं है, कोई मास्क नहीं लगा रहा, कोई भी किसी को डर नहीं है गाँव में। वैसे यहाँ पर कोई है भी नहीं आसपास, कोरोना पॉजिटिव नहीं आया ना अभी तक यहाँ पर कोई, इसीलिए यहाँ पर इतना डर है नहीं। तो मास्क वगैरह नहीं लगा रहे हैं लोग। और हम तो जैसे कि घर से लेके आए थे तो मौसी ने बताया कि बाहर पुलिस वाले खड़े हैं, वो चेक करते हैं मास्क वगैरह, तो हम लोग लेके चले थे। और अभी हम सुनार पे भी जाएंगे, तो आप मेरी ये नोज देख रहे हो, खाली खाली लग रहा होगा, मेरा फेस अजीब सा लग रहा होगा क्योंकि मेरी यहाँ पर लोंग नहीं है, तो वो टूट गई थी आते समय। तो अभी हम सुनार पे भी जाएंगे, उसकी जो नीचे की डंडी होती है ना वो मैं लगवाऊंगी। और कान के देखो मेरे कान के भी खाली पड़े, मेरा एक कान यहाँ से पक भी गया है, ये ऊपर वाला बहुत ज़्यादा पक रहा है, ये दर्द भी हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ इस बार आर्टिफिशियल ना लेके मैं चांदी के या फिर सोने की वो छोटी वाली नग होता है ना जिसमें एक नग के होते हैं लोग, वो बनवाऊंगी। तो हमें बहुत टाइम लगने वाला है। हम लोग सोचे थे हम निकल जाएंगे 3 बजे, बट निकलते निकलते 8 टाइम हो गया हमारा और कोई आ गया था बेसिकली, तो उनके लिए चाय वाय उनसे बातें, तो इतना टाइम हो गया। फिर मामा जी किसी काम के लिए चले गए थे, ये मामा जी की स्कूटी है, मेरी दीदी की स्कूटी है ये, तो मैंने उनकी स्कूटी ले ली। मौसी जी अपनी स्कूटी पे हैं, वो मम्मी को लेके जा रही हैं, हम लोग फिर उधर से आ जाएंगे। तो अभी इन लोगों का क्या हो रहा है, फ़ोटोज़ खींचे जा रहे हैं, उनसे चॉइस हो रही है, अभी इनकी DP बदलेगी, इनके स्टेटस लगेंगे। और ये देखो हम कहीं जा रहे हैं, कितने सारे लोग गांव में एंटर हो रहे हैं, यहाँ पे जो मेन रोड आ जाएगी यहाँ से बस गांव में घुसने का। हम कोने पे ही जाके याद आया, ओहो मौसी के लिए जो लस्सी भरी थी मैंने 2.5 लीटर की बोतल में, वो खाली पड़ी है, और मतलब खाली पड़ी है, क्या बोल रही हूँ मैं, मोटरसाइकिल वाले को देख के ना वो मेरे को ऐसे देख रहा था तो मैं भूल गई मैं क्या बोल रही हूँ। तो मैंने वो भरी थी लस्सी में, क्योंकि आजकल लस्सी बिलो लेते हैं क्या बोलते हैं वही, तो वो भरी रखी थी उसमें। और हम निकलते जल्दी जल्दी इनमें भूल गए वो, तो मैं फटाफट से गांव में गई वापस घर में लेके आई। मेरे मामा फ़ोन कर रहे थे मेरे फ़ोन पे ही कि ये तो भूल ही गए तुम, क्योंकि मौसी रोज़ रोज़ नहीं आएगी। और इधर से मेरा फेस, हाँ इधर से काफ़ी अंधेरा सारा, सूरज जब डूब रहा है ना तो बढ़िया नहीं आ रहा। हुए नहीं अभी कौन सा सागौन का, ये बड़ा सा पेड़ है ना सागौन का, क्या बोगनविला, ये बोगन विला है इसके पीछे। ये जो ये देख रहे हो ना आप, ये बहुत बड़ा स्कूल है, बहुत बड़ा स्कूल आशा मॉडर्न है, इससे ही मतलब गांव फेमस हो गया आशा मॉडर्न स्कूल है। यहाँ पे बहुत दूर दूर से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। तो अभी सब जा रहे हैं धीरे धीरे और हम लोग रुके पड़े हैं क्योंकि मेरा हाथ दुख गया। जब तक इनके फोटोज़ नहीं क्लिक होंगे तब तक हम नहीं जा सकते आशा मॉडर्न का। हाँ वो मैं दिखा दूँगी आशा मॉडर्न। तो चलो भाई हम तो चलते हैं अपनी स्कूटी पे, ये रही हमारी स्कूटी, तो हम चलते हैं। चलो तो अब मैं आपसे मिलूंगी प्लॉट पे जाके, अब कहीं नहीं रुकना बीच में, सब काम हो गया। ये देखो मम्मी और मुझे हंस रही है कि चल अब चलते हैं, अब तू देर कर रही है, मुझे ये बोल रहे हैं कि अब तू देर कर रही है, हमारा तो काम हो गया। ये देखो यहाँ पे कितनी ग्रीनरी है यार,
बहुत जी लगता है सुबह के टाइम। तो चलो आपसे प्लॉट पे जा करके मैं मिलती हूँ, तब तक बाय बाय।